हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से आर टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 4% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 286 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाया गया। आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 268 रुपीज के पास, क्योंकि यहां से स्टॉक के अंदर मूविंग एवरेज जो है वो रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है, यानी रिवर्सल का मतलब पॉजिटिव हुआ है। यहां से स्टॉक के अंदर एक राइजिंग देखने को मिल रहा है। ऊपर में देखें तो स्टॉक के अंदर रुकावट रेंज 289 रुपीज पर। स्टॉक ने सेम इस प्राइस को ब्रेकआउट तो दिया था, ऊपर में हाई भी बनाया था 291 रुपीज का, पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में जो सपोर्ट लेवल बन रहेगा, जो स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है, वो 278 रुपीज के पास का आएगा। तो आप यहां पर स्टॉप लूज रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर इस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। ऊपर के टारगेट अराउंड 320 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, पर इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर स्टॉक नीचे में 278 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है।